हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एरिया को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 95 क्वेश्चन तक किया था, आज की वीडियो में हम लोग 96 से करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन तक कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए गाइस, अराउंड मतलब 40 के आसपास क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो दो तीन वीडियोज़ और लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद। इस चैप्टर के बाद मैं कराऊंगा आपको HS, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में के लिए कि वहाँ से दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, चाहे आप रीजनिंग में वो डाल के दें या फिर आपको मैथ सेक्शन में दें। वैसे तो रेलवे के एग्ज़ाम मिक्स होते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन कभी कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वैसे रहते हैं। तो फिर ठीक है, मैं आपको एरिया ही एरिया बोल रहा हूँ, एरिया के बाद आपको मैं एज कराऊंगा। एज के बाद मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर कराऊँ, हो सकता है वॉल्यूम करा दूंगा, नहीं तो नंबर सिस्टम इस बुक से करा दूंगा। ठीक है, चलो, तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल्स को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, जितना ज़्यादा बताओगे उतने बड़ी चैनल बनेंगे और उतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स आपको फ्री में ही मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो गाइस क्या बोल रहा है। 96 क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है उसका एरिया वो इंक्रीज कर दिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तब उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो और द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ओरिजिनल रेडियस क्या होगा सर्कल का वो पूछा है। ठीक है, हमें वो निकालना, तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। तो अगर इसको करेंगे कैसे, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गाइस इसको, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, ओल्ड जो रेडियस होगा, ठीक है, उसको हम लोग आर ले लेते हैं, ओल्ड रेडियस, ओल्ड रेडियस को हमने क्या लिया, आर ले लिया। तो जो न्यू रेडियस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, अब नया रेडियस क्या बोल रहा है, वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, पुराना आर था तो न्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से नए नए सर्कल के एरिया को माइनस करूँगा पुराने सर्कल के एरिया से, तो जो इंक्रीज़ हुआ था 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वो निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ए न्यू सर्कल या माइनस एरिया ऑफ ओल्ड सर्कल, या फिर मैं एरिया ऑफ न्यू रेडियस माइनस कुछ भी, बस आपको समझने से मतलब है। ठीक है गाइस, तो आपको समझने से मतलब है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ न्यू रेडियस लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। न्यू रेडियस, न्यू सर्कल की जगह पे मैं न्यू रेडियस लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ओल्ड रेडियस। ठीक है, कितना था, 22 सेंटीमीटर बड़ा था, है ना, 22 बड़ा था। अब एरिया ऑफ न्यू सर्कल माइनस, ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ न्यू रेडियस है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ओल्ड सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये भी कितना इंक्रीज हुआ, 22 हुआ। ठीक है, अगर मैं पाई को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, न्यू रेडियस मेरा कितना था, आर प्लस वन, ठीक है, आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 22, पाई कॉमन है, पाई का पाई आ गया। अभी देखो ये आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर प्लस वन प्लस आर, ठीक है, यहाँ पे आर प्लस वन माइनस आर, ठीक है, देखो आर आर कट गया बाई 20 इक्वल टू 22। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है वो यहाँ लिख देते हैं, 22/7, ये कितना हो जाएगा, 2r+1, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ये 22 से देखो 22 कट गया, तो 1/7 ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r+1 ही रह जाएगा इक्वल टू 1। अभी ये जो 7 है उधर चला गया 2r, ठीक है, 7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये जो +1 है इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2r=6, तो r का वैल्यू कितना आया, 3 सेंटीमीटर, तो ओरिजिन मेरा रेडियस क्या आया, 3 सेंटीमीटर। तो गाइस देखो कितना सिंपल था, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको कराया, तो ऐसे इतना लंबा हुआ, लेकिन जब आप
प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, अब माइंड में ही कुछ स्टेप्स स्किप कर लोगे, ठीक है, जो जरूरत होगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, बोल रहा है कि अगर सर्कल का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, देन हाउ मेनी टाइम्स विल द सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज। अगर रेडियस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है, वो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा वो बोला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग दोनों, दो देखो, एक तो पुराना वाला सर्कमफ्रेंस होगा और एक नया वाला सर्कमफ्रेंस होगा। जो पुराना वाला सर्कल होगा छोटा होगा, नया जो इंक्रीज होगा वो बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के सर्कमफ्रेंस को इक्वल कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। देखो गाइस करेंगे कैसे, मैं डायग्राम बता के आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल कैसा भी बने एडजस्ट कर लेना, ठीक है, और ये मेरा आर है। अब क्या है, अभी बोल रहा है ये जो आर रेडियस है ये 3 टाइम्स बढ़ गया। अगर रेडियस बढ़ेगा तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा, तो अब ये बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है गाइस, एडजस्ट कर लेना गाइस कैसा भी सर्कल बने। अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, 3R जब हो जाएगा, 3 टाइम्स बोला तो 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, इसका भी होता है 2πr, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2πr, r तो r ही है इधर पे, और ये हो जाएगा 2π3r, ठीक है गाइस। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2πr हुआ और ये कितना हुआ, 6πr हुआ, ठीक है। अब देखो 6πr में से अगर हम 6πr में से 2πr माइनस करेंगे तो 4πr हुआ, ठीक है गाइस, 4πr हुआ, ठीक है। अब देखो 4πr हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4πr, ठीक है। 4π डिफरेंस कितना हुआ, 4πr, एक्चुअली में कितना सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस कितना था, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना था, 2πr, ठीक है, 2πr। यार देखो मैं समझा के लिख रहा हूँ, ठीक है, स्किप मत करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो 4πr आया दोनों का डिफरेंस, मतलब वो कितना, पहले इतना था सर्कमफ्रेंस, वो 4π और बढ़ के कितना हुआ, 6πr हुआ। तो देखो ये 2πr का कितना टाइम से दिख रहा है गाइस, ये कितना टाइम से। अच्छा अगर आप ऐसे नहीं करते, ठीक है, आप ऐसे कर लो, ठीक है, अगर इसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, 4πr है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2πr, ठीक है। देखो 2πr का कितना है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 2 जो 4 4 हुआ, तो कितना टाइम्स बढ़ा गाइस, 2 टाइम्स बढ़ा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे देख लो, 2πr था, ये 4πr हुआ, कितना टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं 2 टाइम्स दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो 2 टाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल, ठीक है, विथ साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब देखो अभी एक देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक लार्जेस्ट सर्कल बनाया गया जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर है, और रेक्टेंगल की साइड्स दी हुए 18 और 17। तो उस लार्जेस्ट जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा। ये तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक जानता होगा, अगर वो डायग्राम बना लेगा ना तो वो आराम से ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल आपको बना बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस, अब इसका लार्जेस्ट सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे करके ही बनेगा,
है ना। आप ऐसे तो नहीं बनेगा ना सर्कल, क्योंकि ये तो सर्कल होगा ही नहीं तब। ये अगर सर्कल बनेगा तो पूरा इसको भी टच करेगा, इसको भी एडजस्ट कर लेना गाइज अपने से आप, ठीक है। ऐसे करके बनेगा, ठीक है। लार्जेस्ट अगर ये मेरा 18 है और ये मेरा 14 है, तो इसका सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी 14 ही होगा। अगर सर्कल का डायमीटर 14 है तो रेडियस मेरा कितना होगा, 7 होगा, ठीक। क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है गाइस। फिगर थोड़ा अजीब बना, आप ठीक से बना लीजिएगा। अगर आप समझ गए ना तो आप आराम से बना लोगे। अगर आप फिगर बना लिए तब तो आप आराम से कर लोगे। हमसे क्या पूछा है, इस सर्कल का एरिया ही तो पूछा है। इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पाई होता है 22/7 और आर मेरा कितना है, 7 है, तो 7 × 7, ठीक है, कट गया। तो कितना होता है, 22 × 22 7 = 154 होता है, तो 154 cm², ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 154 दिया है कि नहीं। मैंने गाइस क्या बोला था, अगर आप इस क्वेश्चन का फिगर बना लोगे तब तो आराम से क्वेश्चन कर लो। वैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन था, फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। माइंड में ही आप कर सकते थे, माइंड में ही फिगर बना सकते थे, ठीक है। मैं उनके लिए बोला जिनको मतलब उतना मतलब प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 154 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में दिया है 154 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड अ स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। देखो एक सर्कल है और एक स्क्वायर फील्ड है, तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। देखो सर्कल में कभी पेरीमीटर नहीं होता, सर्कमफ्रेंस ही होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेरीमीटर यूज़ किया तो कन्फ्यूज मत होना, सर्कमफ्रेंस का मतलब ही पेरीमीटर है, ठीक है। तो उस बोल रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर है इक्वल है। बोल रहा है व्हाट इज दी डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। अब जो सर्कुलर फील्ड है उसका डायमीटर क्या होगा, इफ द एरिया ऑफ ए फील्ड इज 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या होगा, अगर जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, वो 484 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। देखो गाइस क्वेश्चन में बोल दिया था जो सर्कल है, ठीक है गाइस, जो सर्कल है और एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दोनों का सेम है, ठीक है। तो और इसका एरिया दे दिया है 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम साइड निकालेंगे, ठीक है, एरिया दे दिया इसका हम साइड निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे कितना दिया है, 484 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इस साइड इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 484 हो जाएगा, और 484 किसका रूट होता है, 22 का रूट होता है। तो 22 मीटर आया मेरा, साइड मेरा 22 मीटर आ गया, ठीक है गाइस। तो साइड मेरा 22 मीटर आ गया। अब देखो गाइस इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका होगा, ठीक है। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ निकालेंगे स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो फॉर्म 4 × साइड होता है, तो 4 × 22 करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब इसका जो पेरीमीटर है वही सर्कल का है, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर होता हम क्या लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस लिखते हैं। तो सर्कम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr हुआ। तो पेरीमीटर दिया है 88, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 22/7, ठीक है। देखो ये कितनी बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, 22 × 44 44 2 जा क्या होता है गाइस, 88 होता है। तो आर मेरा कितना आएगा गाइस, 14। अगर आर मेरा 14 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि आर रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 28 मीटर हो जाएगा। देखो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 28 मीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 28 मीटर दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए स्क्वायर मेजर्स 21 सेंटीमीटर। अब देखो ये देखो एक फिगर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के चारों तरफ जो शेडेड पोर्शन है ना, हमें हमें उनका निकालना है, ठीक है, उनका एरिया निकालना है। और आपको क्या दे दिया, हर एक साइड जो दे दिया है वो कितना दे दिया है आपको, 21 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पे
रेडियस दे दिया है 10.5 मीटर, ठीक है। बस हमको कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। हम पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इसमें कुछ है नहीं तामझाम, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस देखो, ऐसे फिगर मैंने बना दिया है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। ये डायमीटर है, साइड दिया, और हमें ये जो शेडेड पोर्शन है हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी हमें साइड दिया है 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, ठीक है। 441 मीटर में दिया है क्या ऑप्शन, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमने निकाल लिया, अब हमने साइड निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7, और आर मेरा कितना है 10.5, तो इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। देखो ये शायद कट ही आएगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 5 से काटेंगे इसको तो ये 21 आएगा, और ये 2 आएगा, तो ये पूरा पूरी 3 से कट जाएगा, ठीक है। और ये 11 से कट जाएगा, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 34.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 1 0 था, तो लास्ट में एक पॉइंट बिठा दिया, समझ में आया कि। चलो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो 441 में से हम 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.5, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 13 में से 4 गया 9, तो 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 94.5 सेंटीमीटर से आया कि नहीं आया। तो गाइस देखो, ऑप्शन में 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर पार्क हैज़ ईच साइड्स 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका हर एक साइड जो है, ठीक है, वो 100 मीटर का है। इफ़ ईच कॉर्नर ऑफ ए पार्क देयर इज़ ए फ्लावर बेड, ठीक है। तो देखो, हर एक जो सॉरी एट ईच कॉर्नर पार्क ऑफ एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज़ ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए रेडियस 14 मीटर। देखो बोला है कि हर एक स्क्वायर के कॉर्नर में एक फ्लावर बेड है जो कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उसका रेडियस 14 मीटर दिया हुआ है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल का आधा, आधे का भी आधा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, ठीक है, पार्क, अभी जो रिमेनिंग पार्क, ये जो रिमेनिंग जगह बच गया, इसका एरिया क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा है गाइस, पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, ठीक है। जितना आएगा दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ गया। सिंपल सा था, पहले वाले जैसा क्वेश्चन में था, इधर भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, आपको देखो, यहाँ पे आपको देखो, एक्चुअली में ये जो चार है ना, ये चार मिला के एक सर्कल बनता है, ठीक है। चलो इसको करके मैं दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, साइड हमारा क्या दिया हुआ है, 100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और मेरा दे दिया है 14 22/7, ठीक है, 14 × 14 कट जाएगा ये पूरा दो बार में, ठीक है, तो 22 × 28, ठीक है, तो 22 × 28 करेंगे यहाँ पे, 28 × 22
सिक्सटीन, फाइव सिक्सटीन, फाइव, तो ये हो जाएगा 616, ठीक है। तो 616 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10,000 में से 616 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98, हाँ 98 नहीं आएगा, 9384 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो आर मेरा 14 था, देखो वहाँ पे चार कोऑर्डिनेट है, चार कोऑर्डिनेट मिला के ठीक है एक सर्कल बनता है, ठीक है। रेडियस 14 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 14 प्लस 14 28 होता है, वो पूरा डायमीटर बन जाएगा, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस हम 14 ही लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन फिगर देख के आपको डर लगेगा, ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है चार लाइन का, तो तब भी आपको डर लगेगा, लेकिन देखो जैसा क्वेश्चन जितना भयंकर लग रहा है उतना ही इजी है, ठीक है। मेरे को समझाने में देखो शायद 1 मिनट लगा होगा या उससे भी, वो भी नहीं लगा होगा, ठीक है। जब आपको आएगा ये क्वेश्चन, आप जब खुद करोगे तो आपको तो 20 सेकेंड में ये हो जाएगा आपका, मतलब क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन करने में आपको 20 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में 9384 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस देखो ऑप्शन 9384 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर पी ओ इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 1472। अब देखो पी ओ नहीं, सॉरी ओ पी दिया हुआ, ओ पी इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये पूरा का पूरा जो लाइन दिख रहा है ना आपको गाइस, ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ से ओ से लेके क्यू तक, ये पूरा का पूरा 14 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, ओ पी, ओ पी का जो लेंथ है वही पी क्यू का लेंथ है, मतलब ये 14 तो ये भी 14, समझ में आया। अभी देखो क्या बोला, एन सेमी सर्कल आर ड्रॉन ओ पी पी क्यू एंड ओ क्यू हैज डायमीटर। तो देखो क्या बोल रहा है, आपका जो सेमी सर्कल है वो ड्रॉ किया गया है, किस पे किया गया है, ओपी पे। देखो ओपी पे एक आपको आधा सेमी सर्कल दिख, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल दिखेगा, और पी क्यू पे एक आधा सर्कल दिखेगा, और ओ क्यू, ठीक है, ओ से ये पूरा ये आधा दिखेगा, ठीक है। हाँ सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया। अब ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना आपको, इसका पेरीमीटर क्या होगा हमें वो निकालना है। तो गाइस देखने में भयंकर लग रहा है, लेकिन आपको मैं डायग्राम बना बना के कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और एक्चुअली जैसे देखने में जितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है उतना ये है नहीं, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो ये है फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम देखो ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको सेमी सर्कल, ये वाला ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। अभी सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये क्या है, सेमी सर्कल हुआ, अभी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन ये आधा है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आधा का निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ सर्कल हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाफ सर्कल, ठीक है। और इसका डायमीटर क्या है, ठीक है, देखो यहाँ ये भी 14 ये भी 14, पूरा 28 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर मेरा 14, मतलब रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ 14 है, यहाँ से यहाँ 14, मतलब ये क्या, ठीक है, अगर मैं इसको ये वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे घुमा दूँ, ठीक है, ऐसे घुमा दो इस वाले पार्ट को, ठीक है, अगर मैं ऐसे घुमा दूँ इधर ले आओ, तो ये एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसका यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा का ये सर्कल बन गया, तो पूरा का पूरा 14 है, तो ये डायमीटर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूंगा तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा, तो ये पूरा मेरा 14 है, तो इसका रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलो कर देता हूँ, कैसे करेंगे, देखो पाई आर, ठीक है, प्लस 2πr, क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कर दिया,
अब ये पाई आर कितना है मेरा, 14 है प्लस 2 इंटू, ठीक है 22/7, इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है सबसे अच्छा होगा वैल्यू पुट कर देता हूँ 7, और आर इधर मेरा कितना है 7 है, तो 7 लिखा, काट दो इसको, इसको भी काट दो, ठीक है ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे भी 44 प्लस 44 88 हो गया, तो मेरा देखो कितना है मेरा 88 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ। तो देखो पेरीमीटर हमसे पूछा था, ठीक है हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया और इसका पेरीमीटर निकाल के ऐड कर दिया, तो 88 टोटल पेरीमीटर कितना है 88, तब ऑप्शन में देखते हैं 88 दिया कि नहीं, ठीक है। तो वो इस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में उतना वो मतलब भयंकर लग रहा था लेकिन था नहीं, ठीक है अब ऑप्शन में देखते हैं कि 88 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द रेडियस ऑफ ईच फोर आउटर सर्कल इज आर, ठीक है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है बोल रहा है ये जो, ठीक है ये जो आपको चार सर्कल जुड़े हुए दिख रहे हैं इनका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक सॉरी 4 सेंटीमीटर बोला, आर सेंट आर दिया हुआ रेडियस, ठीक है यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 इन दोनों को इन सबको जोड़ के जो अंदर वाला रेडियस बनेगा, ठीक है तो उस वो रेडियस कितना होगा, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, मतलब अंदर वाला जो सर्कल होगा, ठीक है उसका रेडियस कितना बनेगा, एक्चुअली हमें वो बताना है, ठीक है तो करके दिखाते हैं कितना बनेगा, ठीक है इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गाइस देखो ये है फिगर, ठीक है अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस, अगर मैं यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है अगर ये मैं इन रेडियस को मैं जोड़ दूँ तो ये एक्चुअली में क्या एक स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है ये एक स्क्वायर में बन गया। अब ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ ये भी आर है, ठीक है ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है ये तो ये आर ये आर, तो टोटल ये पूरा कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है अब ये देखो एक स्क्वायर बन गया तो ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ठीक है अगर ये भी 2R, ठीक है अगर मैं ये आर ये भी 2R, ये भी 2R, ठीक है तो अगर मैं ये निकालूं, ठीक है डायगोनल निकाल लूं, ठीक है देखो फिगर कैसे बनेगा, स्क्वायर वाला फिगर देखो कैसे बनेगा, ये 2R, ये 2R, अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 2R 2R तो ये कितना हो जाएगा, ये 2R रूट 2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है मतलब डायगोनल मेरा कितना हुआ, डायगोनल क्या होगा मेरा, डायगोनल मतलब डायमीटर सर्कल का, ये यही डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर यही हो जाएगा तो कितना आया 2R रूट 2 आया मेरा, ठीक है अगर ये डायमीटर है तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो इसका 2R रूट 2 को, ठीक है मैं R 2 से डिवाइड माइनस डिवाइड करूँगा तो 2 कट जाएगा तो R रूट 2 हो गया, ठीक है अब देखो ये पूरा मेरा क्या है, आर रूट टू है, ठीक है मुझे चाहिए अंदर वाले सर्कल का रेडियस, तो इस पूरे में से मैं अगर माइनस कर दूंगा आर, ठीक है आर में माइनस कर दूंगा, ठीक है इसको अभी नहीं लिखते, आर रूट टू में से अगर मैं आर में माइनस करूंगा, ठीक है तो मेरा अंदर वाला रेडियस निकल आएगा, आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा रूट टू माइनस वन, ठीक है यही हमारा रेडियस होगा अंदर वाले सर्कल का, ठीक है गाइस तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो यहाँ पे रूट टू माइनस वन आर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल सर्कुलर फील्ड एंड अ स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। तो देखो जो पेरीमीटर है एक सर्कल फील्ड का स्क्वायर फील्ड का वो दोनों इक्वल है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 12100, ठीक है अगर स्क्वायर फील्ड का एरिया 12100 दिया हुआ है तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होगा मैं वो निकालना। तो ये गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो गाइस देखो ये एक सर्कल है,
और ये स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर दिया इक्वल है और बोल दिया कि इसका जो एरिया होगा 12100 मीटर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साइड निकालेंगे। ठीक है, तो ए साइड निकालने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 12100 साइड स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो साइड इक्वल टू रूट ओवर 12100 हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1 आप जानते हो, ठीक है, 11 का होता है, और 00 आप जानते हो 110 का होता है, तो ये हो जाएगा 11 0। ठीक है, तो 110 हुआ, तो साइड मेरा निकल गया। अब यहाँ से मैं पेरीमीटर निकाल लूँगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लूँगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तभी तो सब पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकलेगा, क्योंकि दोनों का इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 into साइड होता है, तो 4 into 110, तो ये हो जाएगा 440 हो गया। ठीक है, पेरीमीटर। अब गाइस क्या करेंगे, अब देखो दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, कितना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr। ठीक है, हम सर्कमफ्रेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब तक हम r नहीं निकाल पाएंगे तो हम एरिया भी नहीं निकाल पाएंगे सर्कल का। तो इसका दिया है 440 2 into 22/7 into r। ठीक है, देखो ये कट गया का पूरा 2 22 2 जो 44, 10 बार में कट गया, तो आर मेरा आया 70। ठीक है, आर 70 आया। अब यहाँ से निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 into 70 into 70, देखो 10 बार में कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 14154, और 2 0 यहाँ का बिठा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 154000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइस देखो ऑप्शन में 154000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतने ही रन देते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 से करेंगे। ठीक है, और जल्दी कोशिश करूँगा ये चैप्टर कंप्लीट करा के एज स्टार्ट करूँ। ठीक है, तब तक लिए गाइज आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा जोड़ें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दिखा रहा हूँ, आता आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स दिखाइए। ठीक है, तो ये बुक देखो आप, जो रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, RRB के, NTPC के, और फिर जो मिनिस्ट्री जो हुआ था आइसोलेटेड वाला जो अभी एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, उसमें भी देखो जितने भी मैथ्स है इसी में से है, बाहर से कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो रिव्यू हो, बहुत सारे चैनल है जो रिव्यू कराते हैं, ठीक है, वो चैनल्स में आप देखो मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं इस बुक से बाहर आए हैं कि नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का इस बुक से बाहर नहीं आया होगा। ठीक है, गारंटी दे के बोल रहा हूँ, बस आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है, हो सके तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।